हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्रेनिंग हिंदी पर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एचपी की 680 कार्टिज को किस तरीके से रिफिल करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ब्लैक कार्टिज ले ली है। आप इसके ऊपर जो सील लगी आती है उसको हटा लीजिए नाइफ वगैरह किसी मदद से। फिर आप देखेंगे चिप के सामने वाले जो टू होल्स हैं उनको हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे यूज़ के लिए बिल्कुल नहीं है। उससे नीचे के जो थ्री होल्स बचते हैं इनमें हमें इनको रिफिल करना है। तो सबसे पहले आप अपने सिरिंज में इनको निकाल लीजिए। आप कोई भी कंपनी इनको यूज़ कर सकते हैं, मैंने प्रोडक्ट कंपनी की इनको यूज़ किया है। तो आप अपने हिसाब से आपको जो भी अवेलेबल हो उससे इनको यूज़ कीजिए। तो हम रिफिलिंग शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम मिडल होल में इसको रिफिल करते हैं। तो मिडल होल में अपनी सिरिंज को लगा लीजिए। आप एकदम धीरे धीरे इनको निकालिए जिससे अच्छे से वो नोज़ल में पहुँच जाए, ओवरफ्लो भी नहीं हो। अगर बाई चांस ओवरफ्लो हो जाता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आप इसको फिर से अपनी सिरिंज में निकाल लीजिए। और नीचे के होल्स में भी हम रिफिल कर देते हैं। अब राइट साइड वाले में रिफिल कर देते हैं। हम तीनों होल्स में थोड़ी थोड़ी इंक रिफिल कर देते हैं ताकि अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब देखिए रिफिलिंग हमारी हो गई है पूरी। तो कार्टिज की सरफेस को हम पेपर की मदद से क्लीन कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि थोड़ी ऊपर इंक रह जाती है, वो अच्छे से साफ हो जाए। अब इसको रब कीजिए पेज पर, इससे हमारी नोज़ल के अंदर इंक अच्छे से आ जाएगी। देखिए हमारी इंक आ गई है नोज़ल के अंदर। आप इसको बिना सेक्शन टूल के कर रहे हैं तो आप इसको हवा मारी इसके अंदर किसी चीज़ की मदद से, या फिर आप सिरिंज की मदद से इसमें प्रेशर लगाएंगे तो शुरुआत में 2-3 बार नहीं आएगी, लेकिन बाद में आपकी इंक डायरेक्ट नोज़ल में आ जाएगी और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे तो कार्टिज की सरफेस को टेप वगैरह की मदद से भी लगा सकते, गार्ड कर सकते हैं, जिससे आपको इंक लीकेज नहीं होगी। बाकी आप अगर इसको बार बार अगर इस पर रब करेंगे तो आपकी इंक नोज़ल के अंदर आराम से आ जाएगी। तो चलिए अब आप बात करते हैं एचपी कलर कार्टिज जिसमें ट्राई कलर इंक डलती है उसको किस तरीके से रिफिल करते हैं। तो इसके अंदर भी आपको सबसे पहले चिप के आगे का जो होल होता है वो मैजेंटा कलर के लिए है। अब हमारा लेफ्ट साइड वाला होल है हमारा येलो कलर के लिए, राइट साइड वाला होल है इसके अंदर साइकन कलर के लिए। ये तीनों कलर आप मार्केट से परचेज कर लीजिए, प्रोडक्ट कंपनी के भी ये तीनों आते हैं। सबसे पहले मैजेंटा को रिफिल करते हैं सबसे ऊपर वाले होल के अंदर। तो इसमें 2 ml कलर डलता है तीनों ही, तो आप इसमें धीरे धीरे एकदम निकाल लीजिए। हमारा कलर थोड़ा ओवरफ्लो हो गया तो हम इसको वापस सीरीज में निकालते हैं। तो अब हमारा मैजेंटा कलर हो गया है, ऊपर का जो कलर रह गया उसको हम पेज से साफ कर लेंगे। अब येलो कलर की बारी आती है, वो लेफ्ट साइड वाले जो होल है हमारे वो येलो कलर के लिए। तो सबसे पहले ऊपर वाले में हम आधा निकाल देंगे, बाकी का आधा इसे नीचे वाले होल में निकाल दीजिए ताकि अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ये कलर। अब हमारी सेकंड कलर की बारी आती है, राइट साइड वाला होल सेकंड कलर के लिए। इसमें भी हमें आधा ऊपर वाले होल में निकालना है, आधा नीचे वाले में निकालना है। अब हमारी रिफिलिंग पूरी हो गई है। सबसे पहले इसको कार्टिज को हम इस पर रब करेंगे फेस के ऊपर। तो ट्राइकलर कार्टिज में हम बिना सेक्शन टूल के थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप घबराइए मत। सबसे पहले इसको बार बार आप रब कीजिए। अभी स्टार्टिंग में आपकी हो सकता है सिर्फ एक या दो कलर ही अपीयर हो, लेकिन अगर आपको जो कलर कम हो रहा है या तो आप उसको फिर से थोड़ा और डाल दीजिए, जिससे क्या है कि वो दिखाई देगा। अब काफ़ी बार रब करने के बाद और थोड़ा फूक वगैरह से प्रेशर डालने के बाद देखिए कि हमारे ट्राइकलर इंक अपीयर हो रही है। इसका मतलब है कि अपनी कार्टिज अच्छे से रिफिल हो गई है। आप देखिए कि हमारी ट्राई कलर इंक अच्छे से आ रही है। आप इसको बार बार इसको रब करेंगे तो आपकी इंक आ जाएगी आराम से। और आप चाहे तो आप सीरिंज वगैरह की मदद से इस पर जैसे ही प्रेशर थोड़ा लगाएंगे तो आपकी इंक आ जाएगी। शुरुआत में 2-3 बार हो सकता है नहीं आए, लेकिन आपकी बाद में आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।